आज पनीर से बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और अलग सी रेसिपी, क्योंकि नॉर्मल रेसिपीज खा के हम थक गए हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटिंग शीटिंग बाय मीनाक्षी। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए एक कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ही डालें, जो ऑयल हम बाद में निकाल लेंगे। और अब इस ऑयल को गरम करके इसमें हम अपने पनीर के बड़े बड़े पीसेस ही डाल देंगे। हाँ, इनको काटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पनीर के दो पीसेस करिए और उसको सीधा डाल के फ्राई कर लीजिए। इनको दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लीजिए और अच्छे से फ्राई करके इनको एक प्लेट में निकाल कर अलग से रख दीजिए। और अब हम इसी ऑयल में करेंगे अनियन फ्राई। अनियन को भी बस बीच में से दो दो तीन तीन चार चार पीस मोटे मोटे काटिए और ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा काटा पीटी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब इसी में दो साबुत हरी मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़े से चार से छः गार्लिक अगर आप खाते हैं तो। और इन सबको साथ में मिलकर अच्छे से फ्राई कीजिए। अनियन जब तक थोड़ा सुनहरा हो जाए तब तक हम इन सबको फ्राई करेंगे। और बस निकाल के एक प्लेट में रख लीजिए और उसको ठंडा होने के बाद उसको एक ग्राइंडर के जार में मैं इसको डाल लेती हूँ। और इसके साथ में ही मैं थोड़े से इसमें डालूंगी काजू, नॉर्मल रॉ काजू है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालूंगी धनिया, धनिया थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। और इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। और अब ये पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे इनके हम ऐसे ही लंबे लंबे पीसेस काट लेंगे। लंबे लंबे ही काटिए और बहुत ज्यादा पतले मत कीजिएगा, नॉर्मल साइज रखिएगा। ये हमारे पनीर के पीस भी रेडी हैं। अब हम वापस आ जाते हैं उसी कढ़ाई में, लेकिन ऑयल ज्यादा था, हमें ऑयल कम चाहिए। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल वापस निकाल देंगे और नॉर्मल ऑयल में अपने एक तेज पत्ता, दो लाल मिर्च, दो कश्मीरी ड्राई वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी का पीस और थोड़ी सी काली मिर्च, इन खड़े मसालों को डाल के अच्छे से हम सौटे करेंगे। साथ में इसके डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा भी जरूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन सबको सौटे करने के बाद इसमें अपना वो हरा मसाला जो हमने ग्राइंड किया था उसको हम डाल देंगे। इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से स्लो गैस पे हम सौटे करेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए तब इसमें 3 से 4 चम्मच अच्छे से फिटी हुई दही डालेंगे। और दही डालने के बाद उसको अच्छे से जल्दी से मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अब मसाले डालते हैं। मसाले में मैं यहाँ पर नमक डालूंगी, साथ में लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, अपने टेस्ट के अनुसार डालिए आप, थोड़ा सा गरम मसाला, बस ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। इसमें इसके टेस्ट जो होगा वो इसकी ग्रेवी का आएगा और बहुत ही यूनिक और अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब हम इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। मसाला अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालेंगे और उसको इस मसाले में मिक्स कर देंगे। अब बारी है पनीर डालने की। जो पनीर के पीसेस हमने काट के रखे थे वो 1 by 1 हम इसमें डाल देंगे और ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और इसको मसाले के साथ मिक्स करके कवर करके 2 मिनट के लिए हम फिर से पकाएंगे। और यहाँ पर हम एक तड़का रेडी कर लेते हैं। घी को गरम करके उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और ये तड़का हम लगाएंगे अपने पनीर पर। इधर हमारा पनीर पक चुका है, अब हम इसका कवर हटा के इस पे ये तड़का लगा देंगे और इस तड़के से इसका टेस्ट और इसकी शक्ल बहुत ही अच्छी आ जाती है। अब इस तड़के को हम इस पनीर में अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा हरियाली पनीर या फिर आप कह सकते हैं हैदराबादी पनीर रेडी है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। मैं यहाँ पे अमूल की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको भी हम इस पनीर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही क्रीमी आता है। ये हमारा हरियाली पनीर रेडी है। तो अब हम इसको एक बाउल में सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। पनीर खाने में जितना टेस्टी होता है उसकी ग्रेवी उतनी ही रिच और स्मूथ होती है। इसे पराठों के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए या फिर कचौड़ी के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही बहुत सारी रेसिपीज के साथ जल्दी मिलेंगे। तो मेरा खाना हो गया है रेडी, मैं चली इसे खाने।